चुनाव के नतीजों के साथ ही साफ हो गया कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि इस बार बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन के अन्य साथियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव में हार जीत तो लगी ही रहती है, एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रही थी और 21 विपक्षी दलों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि ईवीएम और वीवीपैट की ज्यादा से ज्यादा पर्चियों की मिलान की जाए। परिणाम आने के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिसने विपक्ष की शंका को गलत साबित किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट का मिलान पूरी तरह से सही निकला है। सूत्रों के मुताबिक इस साल चुनाव में 90 करोड़ मतदाताओं को नई सरकार के लिए अपना मत देना था, जिसके लिए आयोग ने कुल 22.3 लाख बैलेट यूनिट, 16.3 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.3 लाख वीवीपैट इस्तेमाल की थी, लेकिन 17.3 लाख वीवीपैट में से सिर्फ 20,625 वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया गया, जबकि पिछली बार महज 4,125 वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया गया था। पहले 21 दलों के नेता ईवीएम की शिकायत करने चुनाव आयोग गए थे। समाधान न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 100% ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की मिलान की मांग की थी। हालांकि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने हर लोकसभा सीट के कम से कम 5 पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान की व्यवस्था की थी। ईवीएम में पड़े वोटों की सही जानकारी और रिकॉर्ड के लिए वीवीपैट की व्यवस्था 2013-14 में शुरू की गई थी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चुनाव संपन्न होने के बाद इतनी भारी संख्या में ईवीएम का होता क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि विजेता घोषित होने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। रूम को बंद कर एक बार फिर सील किया जाता है। ये प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है, प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। नतीजों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को 45 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान अगर उम्मीदवार को प्रक्रिया पर संदेह है तो फिर से मतगणना के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन 45 दिन की समय सीमा गुजर जाने के बाद मतगणना के लिए आवेदन नहीं दिया जा सकता है। 45 दिनों तक उसी स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता है। केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बल इसकी रखवाली करते हैं। 45 दिन खत्म होने के बाद ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ स्टोरेज रूम ले जाया जाता है। चुनाव आयोग के इंजीनियर ईवीएम की जांच करते हैं, कई चरणों में इसकी जांच की जाती है। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ईवीएम को दूसरे मतदान के लिए तकनीकी रूप से सक्षम घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक ईवीएम को भेजा जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम अग्नि परीक्षा पर खरी उतरी है कि दोबारा ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।